हिंदू धर्म में कई चीजों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कुछ चीजों को शुभ तो कुछ को अशुभ माना गया है। इन्हीं अशुभ बातों में से एक है रात के समय कुत्ते का रोना। अक्सर आपने देखा होगा कि रात के समय घर के बाहर कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार तो उन्हें हटा दिया जाता है ताकि उनके रोने की आवाजें सुनाई न दे सके, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि यह अपशगुन होता है। ये रोने की आवाजें अशुभ और बुरे संकेतों की ओर इशारा करती हैं। प्राचीन काल की मान्यताओं में कुत्ते के रोने को अशुभ माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर रात के वक्त ही अक्सर कुत्ते क्यों रोते हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है, तो चलिए जान लें यह अशुभ क्यों माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी अशुभ घटना का संकेत। रात में कुत्ते के भौंकने के पीछे एक वजह ये होती है कि वे रात में किसी अनहोनी घटना का संकेत देते हैं। कुत्ते भले ही रात में रोएं या फिर दिन में, दोनों ही समय इनका रोना शुभ नहीं होता। पालतू कुत्ते का रोना भी अशुभ। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अगर घर का पालतू कुत्ता रोने लग जाता है या उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ दे, तो भी इसका मतलब घर पर कोई संकट आने वाला है और वे आपको इस तरह के संकेत देते हैं। दिखते हैं पूर्वज। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार रात में कुत्ते इस वजह से रोते हैं क्योंकि उन्हें आसपास पूर्वज या आत्माएं दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वे रोने लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते की देखने और सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए वे उन चीजों को जल्दी से भांप जाते हैं। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि कुत्ते तभी रोते हैं जब उन्हें अपने बाकी के साथियों को संदेश पहुँचाना होता है। इस खास आवाज के जरिए वे कई बार अपने बाकी के साथियों को अपनी लोकेशन बताते हैं ताकि वे उन तक आसानी से पहुंच सके। वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुत्तों को जब दर्द होता है तब भी वे रोते हैं या हाउल करते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।